नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एकलव्य विद्यालय में 38,000 के करीब आपके पोस्ट आ रहे हैं, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टीजीटी की, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है टीजीटी में। ऑलमोस्ट आपका अगर बात किया जाए तो 9,000 के अप्रोक्स, मतलब 8,840 पोस्ट पर भर्ती आ रही है। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, केवीएस में वो किसी ना किसी कारणवश चूक गए टीजीटी में, वो यहां पर हाथ आजमा सकते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। यहां टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी भी आपका वही केवीएस वाली सैलरी है, कोई भी कमी नहीं है। एकलव्य विद्यालय में 44,900 इसका बेसिक बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इसमें आपको डीए 42% मिलेगा, 44,900 ये बेसिक होगा, ठीक है। इस पे आपको 44,900 ये बेसिक होगा, इस पर 42% आपको डीए लगेगा, ठीक है। इसके बाद एचआरए मिलेगा, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाती है। टोटल पोस्ट 8,840 है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पर पूरा एक 38,000 जो वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां से पूरा डिटेल देख लीजिएगा कि 38,000 में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है और आप लोग किसके किसके लिए एप्लीकेबल हैं। चलिए अगर हम बात करें यहां पर टीजीटी के बारे में, तो यहां पर जो एज लिमिट है 35 साल दिया गया है, ठीक है। टीजीटी के लिए शिक्षक बनने के लिए आपको 35 साल है। और ईएमआरएस के जो एम्प्लॉई है, मतलब पहले से ही जो एकलव्य स्कूल है आपका, उसके अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसके लिए 55 साल है। और रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है, अगर एससी और एसटी की बात करें तो इनको 5 साल मिलता है, और ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही चलेगा आपका। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन टीजीटी के बारे में हम बात करें तो 4 साल का अगर कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया गया है तो इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होती है जो इंटीग्रेटेड कोर्स करता है। तो एनसीईआरटी या एनसीईटी के तहत तो वो आपका कहीं ना कहीं मान्य होगा। उसके बाद से क्या बोला गया है, बैचलर ऑनर्स डिग्री है आपके पास, अगर ऑनर्स डिग्री आपने किया है अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एंड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 3 ईयर इन डिग्री कोर्सेस। मतलब ये बोला गया है कि बैचलर ऑनर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। अगर 3 साल के डिग्री कोर्स में जो ये आपका होता है जो ऑनर्स डिग्री, इसमें आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है तो आप एप्लीकेबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ ऑनर्स वाले जो होते हैं, खासकर ऑनर्स वाले अगर 2 साल पढ़े हैं, तो जो सिंपल ग्रेजुएशन होता है और कौन भर सकता है, जो बैचलर डिग्री, मतलब सिंपल बैचलर डिग्री आपने लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो भर सकता है अपने कंसर्न सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की टीजीटी की वैकेंसी आ रही है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द जो कंसर्न सब्जेक्ट है ऑफ 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स। मतलब उसके लिए आप पूरा का पूरा 3 साल जिस भी चीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़े होने चाहिए, तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनर्स के लिए 2 साल अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वैलिड हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, ऑनर्स नहीं किए हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट 3 साल पढ़ना जरूरी है जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी टीचर के लिए। यहां बोल दिया है कि जैसे अगर हम बात करें टीजीटी हिंदी बनना है तो हिंदी आपको 3 साल पढ़ना जरूरी है, टीजीटी इंग्लिश का टीचर बनना है तो 3 साल इंग्लिश पढ़ना आपको जरूरी है। मैथ के लिए बोला है कि अगर बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। मतलब मैथ के लिए क्या होना चाहिए, मैथ के साथ साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। मतलब एक तरह से बोला जाए आपका जो बैचलर डिग्री किए हो, मैथ, फिजिक्स या इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस,
या स्टेटिस्टिक्स या आपका और कुछ है नहीं, हाँ केमिस्ट्री है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, तीन सब्जेक्ट हो, ठीक है, तीन सब्जेक्ट हो आपके फाइनल ईयर है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जिसमें आपका फाइनल ईयर में बोला ओनली टू सब्जेक्ट अलाउ करती हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी आपकी सिर्फ दो सब्जेक्ट अलाउ करती हैं फाइनल ईयर में, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट होगा वो मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर में होना जरूरी है। ऐसे केस में जहां सिर्फ आप अंतिम वर्ष में कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आपको अलाउ करती हैं, तो आपका मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। लेकिन जहां यूनिवर्सिटियां आपकी तीन सब्जेक्ट अलाउ करती हैं, मैथ फिजिक्स के साथ और भी जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है, तो आप रहना जरूरी है, कोई नहीं रहता है तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा, उसके बाद से क्या बोला है, यहीं पर नहीं खत्म हो जाता है, और जो तीन सब्जेक्ट है आपके, थ्री सब्जेक्ट में से मैथ फिजिक्स और इनमें से कोई भी, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जैसे मैथ फिजिक्स तो एकदम कंपलसरी है, उसके साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप तीनों साल मतलब दो साल पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी तीसरे साल में अगर आपकी यूनिवर्सिटी दो ही सब्जेक्ट अलाउ करती है तो आपका मैथ फिजिक्स होना जरूरी है मैथ के टीचर बनने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत से डाउट क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ये क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद से बोला कैंडिडेट हो पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, अगर बीएससी के साथ ऑनर्स है, वो ऑनर्स डिग्री है किसमें, मैथ सब्जेक्ट में, वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्सेज। मतलब कि अगर आपका इनमें से मैथ से अगर ऑनर्स है कोई, तो उसमें से अगर कोई बंदा फिजिक्स एंड ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस अगर उसने दो साल तक पढ़ा है, ठीक है, अगर दो साल तक किसी बंदे ने क्या बोला है, वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड फिजिक्स के साथ साथ इनमें से कोई सब्जेक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर उसने दो साल तक पढ़ा है तो वो एलिजिबल माना जाएगा बीएससी ऑनर्स मैथ वाला कैंडिडेट, ठीक है, दो साल तक भी मैंने कहा गया है। ये ध्यान, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ, ये ध्यान रखिएगा। कोई बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री से है तो वो टीजीटी मैथ का टीचर नहीं बन सकता है। टीजीटी साइंस की बात करें तो बोटेनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बोटेनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल थ्री ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हैं टीजीटी के। उसके बाद से क्या बोला है, इन केस ऑफ अगर यूनिवर्सिटी आपका ऐसा है जिसमें दो सब्जेक्ट ही आपको फाइनल ईयर में दिया जाता है, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ष में लास्ट ईयर में आपका बॉटनी या जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑल थ्री सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। मतलब बोला इसमें से एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट अंतिम में आपका एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट मतलब बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से कोई आपका दो सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहिए 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 और चाहिए, मतलब समझ गए। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है और आपके यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में सिर्फ दो सब्जेक्ट दिया जाता है लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन में, तो या तो आपके पास बॉटनी जूलॉजी हो तब आप भर सकते हो, या बॉटनी केमिस्ट्री हो लास्ट ईयर में, या जूलॉजी केमिस्ट्री हो तब आप भर सकते हो, ठीक है। मतलब इन तीनों में से आपका कोई भी दो सब्जेक्ट है लास्ट ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में यह भी कंडीशन दिया है कि आपका क्या होना चाहिए, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, जैसे बोला द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द थ्री सब्जेक्ट जैसे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, और बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री पहला और दूसरे साल में पढ़ा होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट तभी, और अंतिम में आप इनमें से कोई दो सब्जेक्ट पढ़े हो तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहां पर आपने पहले और दूसरे साल में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा।
अब बोला ऑनर्स डिग्री अगर जो होती है, ऑनर्स डिग्री अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी ऑफ द टू सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्स, मतलब दो साल में आपने कोई दो सब्जेक्ट बॉटनी या जूलॉजी आपने पढ़ा या बॉटनी या केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं ऑनर्स के लिए। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री लिए हो तो उसके साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन हिस्ट्री आपका तीनों साल होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट हो। हिस्ट्री में अगर तीनों साल, अगर आप ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट और एक ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इन विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंपलसरी है, हिस्ट्री के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो और ज्योग्राफी के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल थ्री इन देयर ग्रेजुएशन, मतलब बोला गया है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी आप जो भी जिससे भी हो तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, मतलब या तो हिस्ट्री आपका तीनों साल हो या तो ज्योग्राफी आपका तीनों साल हो। ठीक है, यही बात है, हिस्ट्री के साथ आपने जो कॉम्बिनेशन लिया हो, हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी ले लिया तो कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री एक तीनों साल कोई एक सब्जेक्ट में से तीन साल पढ़े हो, मान लो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लिए तो हिस्ट्री को तीनों साल पढ़ना जरूरी है, पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़े हो तीनों साल दो साल पढ़े हो तभी भी काम चल जाएगा। ऑनर्स डिग्री में बोला इन हिस्ट्री से तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्सेज। ठीक है, मतलब ये बोला कि अगर ऑनर्स डिग्री है आपका हिस्ट्री में तो आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी आप दो साल तक पढ़े हो तो आपका काम चल जाएगा। इसी तरह ऑनर्स आपका अगर ज्योग्राफी में है तो कैंडिडेट हैव स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्सेज, किसी भी दो साल में आपने कोर्सेज में पढ़ा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर जब आप सिंपल ग्रेजुएशन रहेगा तो जो दो सब्जेक्ट है वो अंत तक आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस अंत तक है तब उसी को लो, हिस्ट्री तो कंपलसरी है ही कि आपका अंत तक होना चाहिए। ठीक है, और तीनों साल में आपका पढ़ा होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर में, जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, लेकिन मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में पढ़ा और सेकंड ईयर में आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, सेकंड ईयर में आपने नहीं पढ़ा, चाहे फर्स्ट ईयर में आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, आप सेकंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो और थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपका ये हिस्ट्री गैप नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री आपका तीनों साल होना चाहिए। जैसे यहां पर हिस्ट्री गैप हो गया ना, पॉलिटिकल साइंस नहीं था फर्स्ट ईयर में, हिस्ट्री था, तो इसी से आप बोल रहा हूं हिस्ट्री आपका तीनों में होना चाहिए, बाकी आपका पॉलिटिकल कहीं भी है कोई साल गैप भी है तो कोई बात नहीं है, आपका चलेगा। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री आपका तीनों साल होना जरूरी है। उसके बाद है आपका बोला बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वाले एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी साइंस के लिए, जो बीए ऑनर्स हैं कौन से वाले इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी रीजनल लैंग्वेज वाले, रीजनल लैंग्वेज में अगर आपकी डिग्री है तो आप एप्लीकेबल हैं। उसके बाद क्या चाहिए आपको, आपको सीटेट का दूसरा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए या स्टेट जो बिहार में चलता है उसका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए पहला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बीएड डिग्री जरूरी है आप लोगों के लिए, मतलब जो भी अगर टीजीटी का टीचर बनना चाहता है तो सिंपल शब्दों में कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट के साथ आपका बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट का दूसरा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी है। बाकी अगर हम बात करें एग्जाम की आपकी, तो एग्जाम का जो पैटर्न आता है 180 क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, 180 मतलब 3 घंटे का पेपर होता है, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर जीके जीएस आप मिला के आपका 10 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का 10-15 क्वेश्चन होता है, मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होते हैं और टीचिंग पेडागॉजी के 20 प्रश्न होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज आपका 100 प्रश्न होता है, ठीक है, 100 प्रश्न होता है, तो ओवरऑल देख लो तो 10 20 30
ठीक, 40 40 ये हो गया और 40 40 और 20 40 20 60 60 और यहां पे 10 70 70 और यहां पे 80 ठीक है, 80 क्वेश्चन तो हुए ये 180 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन यही हो गए, टोटल 80 क्वेश्चन आपके ये हो गए, तो 180 क्वेश्चन होता है। तो 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी का है, टीचिंग और पेडागॉजी वाला। तो बाकी का सिलेबस जो अगर हम बात करें, आप लोग सिलेबस पूछ रहे थे, सिलेबस बाकी का जनरल होता है, इसका डिस्क्राइब नहीं किया जाता है इनके द्वारा, वही जनरल इंग्लिश में सिनोम्स एंटीनोम्स वन वर्ड्स एडियम फ्रेज वही आता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग का जनरल चीजें आती है, अर्थमेटिक चीजें आती है, रीजनिंग में भी बेसिक चीजें आती है। हाँ, टीचिंग इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का क्या सिलेबस है यह बता दिया, पेडागॉजी में क्या आएगा वो टीजीटी पीजीटी के लिए सेम रहता है ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी में क्या आएगा, एनईपी 2020 एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएगा, पेडागॉजिकल कंसर्न आएगा, कैरिकुलम मीनिंग प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच प्लानिंग इंस्ट्रक्शन प्लान ईयर यूनिट प्लान लेसन प्लान, ये केवीएस में भी था ये वाला पार्ट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्स टेक्स्ट बुक वर्क बुक सप्लीमेंट्री एविएट्स लेबोरेटरी लाइब्रेरी क्लब म्यूजियम कम्युनिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन आकलन करना टाइप ऑफ टूल्स मतलब इवोल्यूशन के प्रकार फिर टूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सीसीई, ये सब आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा पूछेगा ही पूछेगा आपसे, यह ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी डिसेबिलिटी ये सब आपका कहीं ना कहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्कूल रेडीनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल एंड एटीट्यूडनल फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी एंड द रोल ऑफ द टीचर, टीचर का रोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है, मतलब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बात करें तो यहां पर आ जाता है। कम्युनिकेशन एंड इंट्रेक्शन का बात आता है, कॉन्सेप्ट एलिमेंट और उसका प्रोसेस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इन क्लासरूम बैरियर इन कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या आते हैं आपके कम्युनिकेशन में ठीक है ये सब। अब बात करते हैं फोर्थ का जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो 100 क्वेश्चन आपका आएगा उसमें क्या होगा, तो साफ साफ लिखा रहता है टीजीटी के लिए क्लास टेंथ सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विद द, ये क्यों मैं बोल रहा हूं 2021 की बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूं ये एक बार एक अप्रैल में आई थी वैकेंसी, लेकिन ये कोरोना के कारण क्या हुआ था इसे हटा दिया, मतलब एक तरह से बोला ये पोस्टपोन कर दिया गया, तो उस समय ये एनटीए के द्वारा जो सिलेबस जारी किया था वही है। तो यहां पर जब आएगा तो क्या लिख देगा 2022-23 के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्लास 12, कहां तक होगा क्लास 12 तक का आपकी डिफिकल्टी लेवल होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा आपका वो क्लास 10th के लेवल में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो क्लास के 10th के चैप्टर होंगे, मतलब जो जो चैप्टर होते हैं, और उसकी डिफिकल्टी लेवल कहां तक जा सकती है क्लास 12 तक जा सकती है ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन इसमें क्वालिफाई मतलब एक तरह से बोल सकता है फॉर्म फिल कर सकता है ठीक है, आपको पूरा का पूरा क्लियर कट दिया गया है कि बैचलर डिग्री में क्या क्या होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद भी आपको टीजीटी को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। बाकी आपको एकलव्य विद्यालय से रिलेटेड जो भी समस्या हो जो भी प्रश्न पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके लिए टीम आपका कहीं ना कहीं एक बैच स्टार्ट करेगी, जो आपके 80 क्वेश्चन है ये बैच आपका स्टार्ट होगा, बाकी कंसर्न सब्जेक्ट में डिपेंड करेगा कि जो बच्चे हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं किस सब्जेक्ट से हैं उसी के अकॉर्डिंग कंसर्न सब्जेक्ट हम चलाएंगे। बाकी ये 80 क्वेश्चन आपका जो है वो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा चलाया जाएगा। इस कोर्स के बारे में पूरे डिटेल जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टीचिंग करके हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है परीक्षा प्लस का, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि जो ये 80 प्रश्न आपका आएगा एकलव्य में वो क्या होगा, उसका क्लासेस आपकी कब से रन हो जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट में जो बच्चों आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें हम जो जो भी मार्गदर्शन होगा जो भी उनका सब्जेक्ट चलाएगा आएगा वो उनसे बात किया जाएगा। तो बाकी आप जो भी सब्जेक्ट के हैं
जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं हमसे कि सर इस सब्जेक्ट के नोट्स हो चाहे वीडियो क्लासेस हो उपलब्ध करा दे सर, ये कोर्स चलेगा कि नहीं, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है क्या ये क्लासेस चलेंगी कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।